कन्याधाना की गुडर रोड स्थित सरकारी राशन की दुकान के सेल्समैन पर लोगों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सेल्समैन ने कुछ लोगों को राशन बांटा और मशीन खराब होने का बहाना लेकर राशन बांटना बंद कर दिया और दुकान की शटर गिरा दी। राशन की लाइन में लगे लोग इस बात को भाप गए कि सेल्समैन झूठ बोल रहा है, क्योंकि लोगों के लिए ये बात कोई नई नहीं है। इस तरह के बहाने पर सेल्समैन पहले भी कई बार कर चुका है, जिस पर लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिसकी खबर वार्ड नंबर 1 के पार्षद रिपीट कांग्रेसी पार्षद आशीष जैन को लगी तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। खबर लगते ही भाजपा के मंडल अध्यक्ष पार्षद सत्यप्रकाश भरदेलिया भी मौके पर पहुंच गए, जिनके प्रश्न पूछने पर सेल्समैन ने जवाब दिया कि मशीन खराब हो चुकी है और इस मशीन को ठीक करने वाला जिले में केवल एक ही व्यक्ति है जो कि उपलब्ध नहीं है। मशीन को ठीक होने में 2 दिन का समय भी लग सकता है। मामले की खबर जब मीडिया टीम को लगी तो मीडियाकर्मी भी मौके पर पहुंच गए। मीडिया वालों को भी यही जवाब मिला कि मशीन ठीक करने वाला व्यक्ति जिले में एक ही है, मशीन को ठीक करने में 2 दिन लगेंगे। लेकिन जब जनता ने सेल्समैन की मकारियों की सच्चाई बताना चालू किया तो मीडिया ने जब सेल्समैन से तीखे सवाल पूछे तो सेल्समैन घबरा गए और 5 मिनट के भीतर ही राशन दोबारा बांटना चालू कर दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि जनता सही कह रही है कि सेल्समैन मशीन खराब होने का बहाना बना रहा था। सेल्समैन सौभाग्य सिंह यादव के पास वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 7, 8 और 9 की सरकारी दुकान है, जिसकी ये पहली शिकायत नहीं है। पहले भी कई बार शिकायत जा चुकी है, लेकिन शासन के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही लोगों ने आरोप लगाया कि सेल्समैन अधिकांश समय सिर्फ चावल ही बांटता है और आधा राशन देता है और कहता है कि शासन ने आधा ही भेजा है। सेल्समैन से इसका जवाब पूछने पर सेल्समैन ने कैमरा के सामने स्वीकार किया कि प्रशासन की ओर से पूरा राशन आता है। अपन तो कम आहे नहीं, मोड़ा लेके बैठा दे और बस अपन इतजा कोने गुज्जे बाको ने गुज्जे है जो मोड़ा मोड़ा ने कल मुझे कला ना देऊं तेमे का पार है कला। अब बताओ जो कुछ बात नहीं बात कम से कम 6 महीने 7 महीने से चावल ही चावल दे रहे हैं, गेहूं नहीं दे तो बताओ जनता का के का चावल ही चावल खवाए। 7 महीने से केवल चावल दे रहे हैं, चावल दे रहा फिर गेहूं को तो दाना ही नहीं दे रहा, गेहूं को दाना ही नहीं दे रहा हमारे लाने। और बताओ मजदूर आदमी 300 रुपये दिन के छोड़ के बेई 2 दिन आके दौड़ रहे हैं। आज हम कल बैठे रहे सब दिन भूखे प्यासे और आज ना बैठे आज ही गए थे हमने गोदाम देखो भरो हतो कल अब तो क्या है कम ले लो का गोदाम कल हम पूरा भरो देख के गए थे आज खाली दिखा आज खाली खुलवाओ आप कह रहा कि नहीं मैं अपने मैं माल में गोदाम में आग लगा दूं चाहता चुकर लेकिन कछु कर हमें आकर ना तो दे अपन साहब जैसे 50 किलो एक महीना 2 महीने का माल मिल रहा सब पे मिल रहा है एक एक दवा लाओ सबको मिल रहा तो हमें कहा नहीं दे रही दवा हमें क्या एक को ले जाओ थोड़ा बैठा दे एक को ले जाओ हम दे रहे हैं जो बैठा नहीं है 1 महीना को दे रहे हैं हमारे लाने दो को दे नहीं रहे दो को नहीं दे रहे दो को नहीं दे रहे बताओ गरीब आदमी 5-6 4-4 ऐसे बच्चा है 4-5 बच्चा है बताओ मजदूर आदमी की हम जाई मत दे हमें जाई नहीं मिला तो हम काफी है बताओ। क्या समस्या आ रही है? हमें ये समस्या आ रही है कि हर बार हम राशन लेने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि कल देंगे परसों देंगे, कल हम आए 2-3 दिन के बगैर सोमवार के दिन आज कल सोमवार के दिन बांटेंगे, कहीं कहते बुधवार को बांटेंगे, ऐसे कहते कहते 4 दिन निकल गए, वही सोमवार आने वाला है, आज शुक्रवार है, कल भी आए थे आज भी आए। हम मजदूर आदमी बता 300 रुपया की मजदूरी छोड़ के आ रहे, हम जो कंट्रोल रखा के बैठे की मजदूरी करे हमारे घर में जाके परेशानी देखो कैसी है। कितने दिन से आ रहे आप? हम 2-3 दिन से आ रहा है ये कंट्रोल पे। ये हमेशा की परेशानी है कि इसी महीने से? हमेशा की है, आज ही की नहीं है, कम से कम हमेशा की। कब से राशन नहीं मिला आपको? राशन तो मिलता है, ऐसा ही मिलता है जब हम कहते हैं कुछ कहते हैं, जब अच्छी गाली गलौज देते जब मिलता, प्यार से नहीं मिलता है। जैसे हर कहने की भाई साहब नंबर जो परमिट चढ़ा दो सो जाने की जल्दी चढ़ा दो नंबर आएगा परमिट को से नंबर पे चढ़ा देना है। कितने महीने का आता है? कितने महीने का मिलता है हमें? तो पर्ची हमारी 25 किलो की है तो हमें 25 किलो में से 35 किलो चावल देते हैं, 15 किलो पीस हर महीने मिलता है क्या? हर महीने 2 महीने का रेट महीने का? अब हमें जो मालूम नहीं, 1 महीने का देते हो चाहे 2 महीने का देते हो। एक व्यक्ति के लिए कितना राशन आता है? 10 किलो राशन आ रही है, शासन 10 किलो दे रही है। अच्छा, फिर कंट्रोल पे किसी ग्राहक को 5 किलो दिया जाता है, किसी को 10 किलो दिया जाता है।
इसका शिकार मैं भी हो चुका हूँ, मैं भी केंद्रीय वालों से कह चुका हूँ, तो मैं शिकायत करता हूँ तो ये कहते हैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट डाल के अपारी गिरा के कहीं लट्ट खलवा देंगे तो तुम्हारे खिलाफ बोलोगे, तो इस तरीके की बात होती है। कम देते हैं तो तुम कम देते हैं तो कम देते हैं तो क्या कारण बताते हैं कम देने का? हमें शासन से नहीं मिल रहा है, शासन से नहीं मिल रहा है ये बोलते हैं, आ रहा है तो हम भी चुपचाप रह जाते हैं, तो हम भी 5 किलो लेके चले जाते हैं। आपको ये बताया जाता है कि शासन की तरफ से कम आ रहा है? शासन की तरफ से कम आ रहा है तो हम चुपचाप रह जाते हैं। अच्छा, और अगली बार अगले महीने का मैंने 4-5 बार दुकान पे भी आया, अगले महीने का नहीं ले पाया, इस बार से लगातार 4-5 दिन से चक्कर काट रहे हैं। आज दुकान खुली है इनकी, फिर भी अधूरी खुली, आधी बंद है आधी खुली है। क्या आपका नाम? सत्यप्रकाश भरदीरे नाम है मेरा, वार्ड नंबर 10 से पार्षद हूँ वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष हूँ। जी, आप यहाँ पर क्या समस्या आ रही है? ये गुड़ा रोड पर कंट्रोल है जो, यहाँ पर सभी हितग्राहियों के मेरे पास फोन आए हैं, सभी लोगों के फोन आए हैं कि भाई साहब हमें राशन नहीं मिल रहा है, और लगभग ये 1 साल से करीब फोन आते रहते हैं, मैं आता हूँ, कभी पटवारी जी आते हैं, बटवाद आते हैं राशन पर, इस बार बहुत ही ज़्यादा शिकायत आई है तब हम लोग यहाँ पर आए हैं और एसडीएम महोदय से बात की है, और सेल्समैन साहब का ये कहना है कि माल आता है 2 महीने का, पर कभी 1 महीने का आता है, कभी इकट्ठा नहीं आता है। मैंने फूड इंस्पेक्टर साहब से बात की तो उनने ये बताया कि नहीं, माल बराबर 2 महीने का जा रहा है, पर सेल्समैन साहब ये चालाकी कर दें तो थोड़ी सी कि 2 महीने का राशन आएगा तो 1 महीने का राशन ट्रॉली में लेते आएंगे और 1 महीने का ठेकर से छोड़ आएंगे, जिससे कि 1 महीने का सबको देखे कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, और दूसरे महीने का राशन आराम से सेल कर दें अलग से, और गरीब जनता को हितग्राही को ये नहीं मिल पाए। ये सभी जनता की मांग है कि इनको जितना राशन सरकार की तरफ से आ रहा है उतना ही दिया जाए, पर अभी देख रहे हैं आप कि मशीन खराब बता देते हैं और कुछ भी बताते थे, 1-1.5 साल से यही कंप्लेंट लगातार आ रही है। आप यहाँ के सेल्समैन हैं? हाँ। क्या समस्या आ रही, क्यों ये परेशान है लोग? जो मशीन है वो सही नहीं चलती है, उस वजह से थोड़ा लेट अवेयर हो जाता है। तो ये कब से समस्या आ रही है ये बता रही है? 2-3 दिन से 10 किलो वजन होता है 1 महीने में जी, वही दिया है इनको, मैंने पूछ लो आपको, एक व्यक्ति का 10 किलो गेहूं वही दिया है, नहीं गेहूं नहीं चावल मिला के, गेहूं मिला के दोनों चीजें। अच्छा, तो अभी क्यों बंद है दुकान? ये मशीन की दिक्कत है, मशीन नहीं चल रही है, ये समस्या है। कब से नहीं चल रही मशीन? थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, स्लो चल रही है, स्लो चल रही है। तो ये लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन से परेशान हो रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास परसों माल आया है। परसों माल आया आपके पास?